दोस्तों आज 4 जुलाई है। आज के दिन ही देश को तिरंगा देने वाले महान शख्सियत पिंगली वकैया जी की मृत्यु हुई थी। आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करते हैं। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। हमारे देश का तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है ये एक भारतीय बखूबी जानता है। 15 अगस्त आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। पूरा देश एक बार फिर से देश की आजादी का जश्न मनाने को तैयार है। देश भर में लोग तिरंगे को लेके गर्व महसूस करते हैं। हम अपने बचपन से ही हर मौके पर तिरंगे को देखते हैं। क्रिकेट मैच से लेकर आज देश भर में जितने भी सरकारी या गैर सरकारी बड़े कार्यक्रमों व आयोजनों में सर्वप्रथम तिरंगा फहरा उसकी शुरुआत की जाती है। जिस तिरंगे पर हम इतना नाच करते हैं उसे बनाने वाला कौन है, जिसने इस खूबसूरत तिरंगे में रंग भरा? तो चलिए जानते हैं पिंगली वकैया के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन करने वाले पिंगली वकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के भटाला पेन मरु गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भटाला पेन मरु और मछलीपट्टनम से प्राप्त की थी, जिसके बाद युवावस्था में वह मुंबई चले गए थे। वहां जाने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करनी शुरू कर दी, जहां से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बायर युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। इसी बीच वहां पे वकैया साहब जी की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। वह उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अलग राष्ट्र ध्वज होने की बात कही, जो गांधी जी को पसंद भी आई। महात्मा गांधी से भेंट होने पर बापू की विचारधारा का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। वहीं बापू ने उन्हें राष्ट्रध्वज डिजाइन करने का काम सौंप दिया, जिसके चलते वह स्वदेश लौट आए और इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ दिन रेलवे में गार्ड की नौकरी भी की थी, मगर बहुत जल्द यह नौकरी भी छोड़कर वह मद्रास में प्लेग बीमारी के निर्मूलन को लेकर सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्य करने लगे थे। पिंगली वकैया ने लगभग 5 साल के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। दरअसल वह ऐसा ध्वज बनाना चाहते थे जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र पर बांधे रखे, जिसमें उनका सहयोग एसबी बोमान और उमर सुमानी ने दिया और उन्होंने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। इस बारे में जब उन्होंने गांधी जी की राय जाननी चाहिए तो उन्होंने ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। पिंगली वकैया ने देश की एकता को दर्शाते हुए भारत के हर धर्म के रंग को तिरंगे में जगह दी थी। पहले तिरंगे के अंदर 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए और सफेद रंग अन्य धर्मों के लिए इस्तेमाल किया गया था। चरखे को प्रगति का चिन्ह मानकर झंडे में जगह दी गई थी। 1931 में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया और इसे तत्काल आधिकारिक तौर पर सहमति प्राप्त हो गई। यह स्वतंत्रता सेनानियों में स्वराज ध्वज के तौर पर काफी लोकप्रिय हुआ। इसी ध्वज के तले कई आंदोलन लड़े गए और आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। आजादी के बाद जब राष्ट्र ध्वज पर मुहर लगाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को उनके द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता देने की सिफारिश पेश हुई, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया और 15 अगस्त 1947 से तिरंगा हमारे देश की पहचान बन गया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वकैया का झंडा झंडा वकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वकैया जी का निधन हो गया। पिंगली वकैया देश के निर्माण में इतने महत्वपूर्ण योगदान के बाद भी गुमनाम रहे। गरीबी की हालत में 1963 में पिंगली वकैया का विजयवाड़ा में एक झोपड़ी में देहांत हो गया। सालों बाद मिला पिंगली वकैया के सम्मान में साल 2009 में एक डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर पिंगली जी की फोटो भी छपी थी। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विजयवाड़ा के ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग में उनकी प्रतिमा स्थापित की। तिरंगे को देखकर हमारी आंखें गर्व से भर जाती हैं। इसकी आन के लिए सरहदों पर जवान हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है। तिरंगा भारतीय सैनिकों का शौर्य होता है। ऐसे तिरंगे का निर्माण करने वाले पिंगली वकैया जी को शत शत नमन, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग छवि बनाई। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।